तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं मैडम जो हमारी हैं डॉक्टर नेहा साहू जी, जो एक ठीक है वेटनरी डॉक्टर हैं। तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ठीक है वेटनरी डॉक्टर के काम होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कैबिन आपको प्रोवाइड किया जाता है, किस एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग वेटनरी डॉक्टर बनेंगे, ठीक है सारी जानकारी मैडम हमको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले तो शुक्रिया मैम आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो मैम बच्चों को बताइएगा कि यदि कोई बच्चा वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है तो वो शुरुआत कहाँ से करें? जैसे यदि कोई वेटनरी डॉक्टर कोई बच्चा बनना चाह रहा है तो सबसे पहले तो उसको अपने 12th तक की एजुकेशन पास करनी पड़ती है। किस सब्जेक्ट से? बायो से। बायो सब्जेक्ट कंपलसरी। डिग्री करना है? यदि उसको वेटनरी की डिग्री करना है तो उसका 11th 12th में सब्जेक्ट बायो होना चाहिए। और यदि उसको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा करना है तो एग्रीकल्चर बायो मैथ्स भी हो सकता है। मैथ्स अकेला रहेगा तो नहीं हो पाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए बायो जरूरी है और बायो और एग्रीकल्चर। डिप्लोमा के लिए एग्रीकल्चर भी चलता है पर डिग्री के लिए बायो जरूरी है। ओके। और जैसे 12th में पास कर लेते हैं सब्जेक्ट से अपन, उसके बाद में ये व्यापम के थ्रू एग्जाम होता है जी। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम होता है ये? अभी PVT एंड FT के नाम से लास्ट ईयर तक हो रहा था, प्री वेटनरी टेस्ट एंड फिशरीज टेस्ट। अब और जो वेटनरी कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन उस एग्ज़ाम के थ्रू ही काउंसलिंग में मेरिट बेसिस पे मिलता है। तो बच्चों यदि आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MP में PVFT का एग्ज़ाम होता है, ठीक है स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर तो नीट सबको पता है, नीट के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को वेटनरी डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। साथ ही साथ में यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में PVPT के नाम से एग्ज़ाम होता है। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार वेटनरी के नाम से एग्ज़ाम है। यदि आप UP से हैं तो UP कैटेट और दुबासु का सेपरेट एग्ज़ाम होता है। तो हर स्टेट के अपने स्टेट एग्ज़ाम भी हैं और साथ में नीट तो कॉमन एग्ज़ाम है जो आपको मैडम के द्वारा बताया गया। आगे जानते हैं इसमें कि जॉब कैसे लगेगी। BVSC बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की 5 साल की डिग्री का कोर्स है। जब हम डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में MPPSC के थ्रू स्टेट लेवल पे पोस्ट निकाली जाती हैं। जो फील्ड लेवल की, एक तो वेटनरी में हम एकेडमिक लेवल पे भी जा सकते हैं, जैसे जो वेटनरी कॉलेजेस है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस उसके साथ साथ हम जो फील्ड पे वेटनरी डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है वो PSC के थ्रू होती है। MPPSC के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें भी एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होता है। तो उसको क्लियर करके फिर जो पोस्ट वेटनरी ऑफिसर्स की जो पोस्ट रहती है पूरे स्टेट में उसके लिए हम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मैम ये वही MPPSC एग्ज़ाम है जिससे? हाँ जी, जो प्रशासनिक वो अलग रहता है, उसका एक अलग से रिक्रूटमेंट होता है। और ये MPPSC वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के नाम से पोस्ट निकालती है जिसमें वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के रिक्रूटमेंट होते हैं। तो मतलब यदि आपने 5 साल का वेटनरी का कोर्स कर लिया है तो उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं 5 साल के लिए, 5 साल के कोर्स करने के बाद हम उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है जी। और यदि कॉलेज में जाना है तो उसके लिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी रहता है। मैम आप हैं कहाँ से प्रॉपर? मैं प्रॉपर रीवा से हूँ, रीवा जिले से हैं। और फिर आपने कॉलेज कौन सा मिला? मैं रीवा वेटनरी कॉलेज से मैंने अपना 4th ईयर तक का डिग्री प्रोग्राम किया है और देन आफ्टर मैंने इंटर्नशिप जबलपुर वेटनरी कॉलेज से की हुई है। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली से ICR के थ्रू हुआ है। उसके बाद में मैंने MPPSC में BS की पोस्ट निकली थी तो वहाँ से मैं क्वालिफाई होके फिर मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा में एज ए BS के उस पर हुई है। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मैम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा यदि 5 साल का वेटनरी कोर्स कर लेता है तो उसको मास्टर करना ज़रूरी है? यदि उसको फील्ड में आना है तो मास्टर्स ऐसा है कि आप जो 5 साल की डिग्री कोर्स करते हो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का ओवरऑल नॉलेज मिलता है। लेकिन मास्टर्स में जैसे आपको जिस चीज़ पे, जिस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है उसके लिए आपको मास्टर्स करना आपके लिए ज़रूरी है। आप फील्ड में भी आओगे तो आपका एक पर्टिकुलर, जैसे स्ट्रीम है आपको मेडिसिन से करना है या सर्जरी से, गायनी से, और कई पैराक्लिनिकल भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, जो जिसका स्टूडेंट का जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो उसका नॉलेज और अपग्रेड होता है, तो वो फील्ड में भी फ़ायदा मिलता है। बाकी पोस्ट तो PVFT के, मतलब जो आपका वेटनरी एग्ज़ाम है उसी के थ्रू स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो एकेडमिक लेवल पे होता है। ICR के थ्रू आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको कॉलेजेस मिलते हैं और आपके जो स्टेट में कॉलेजेस हैं उनमें भी पर्सनली कॉलेज के थ्रू
पर्सनल एग्जाम होते हैं उनके कॉलेज के, जहाँ पे जैसे अपना NDVSU है MP में, तो वहाँ से PG के लिए उनका कॉलेज का अपना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ से आप PG उसके लिए कर सकते हैं। और जॉब यदि मिलती है तो वो मतलब जैसे किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो उस लेवल की जॉब फिर कौन से एग्जाम देकर मिलेगी? पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद में आप VS के लिए भी VS के लिए तो आप PVSC के बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं। PG एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपलसरी है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो PG होना कंपलसरी है। और सैलरी क्या रहती है मैम स्टार्टिंग, यदि किसी की ज्वाइनिंग यदि होती है वेटनरी डॉक्टर एज अ? वेटनरी डॉक्टर की यदि सैलरी का पूछें तो सेकेंड क्लास ऑफिसर का जो भी ग्रेड पे है उसी के हिसाब से रहता है। लगभग बेसिक 70,000, लगभग बेसिक अपना 54,000। और हाईएस्ट कितनी पहुंच जाती है यदि आप काम करते हैं? हाईएस्ट लगभग 180,000 पहुंच जाएगी मंथली, मतलब लास्ट आपका जब तक रिटायरमेंट है तब तक आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। फिर सर्जन की पोस्ट जो जिस पे हमारी पोस्टिंग होती है तो ये फील्ड लेवल की ही पोस्ट होती है, मतलब हमको यहाँ फील्ड लेवल का भी काम देखना पड़ता है प्लस हॉस्पिटल का भी काम देखना पड़ता है। तो लड़कियाँ इसमें काफी डरती हैं जी वेटनरी में। पहले लड़कियाँ काफी कम आती थी लेकिन अब वेटनरी में गर्ल्स की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। आप देखें कॉलेज में भी देखेंगे तो गर्ल्स बहुत ज्यादा हो रही है, फील्ड में भी यदि आप सिलेक्शन उसमें भी देखेंगे सिलेक्शन लिस्ट में भी तो काफी गर्ल्स जो हैं सिलेक्ट होके फील्ड में आ रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो फील्ड पे नहीं जा सकती तो हैं। बढ़िया काम है, मतलब लड़कियां कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी लड़कियां अपने मन में बैठा के ना रखें कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा हिचक होती है, डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप सामने वाले को करते हुए देखोगे कि अरे वो भी कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई भी डर नहीं है। और जो लोग पशु डिप्लोमा करते हैं 2 वर्ष वाला, उनका क्या करियर रहता? जो पशु डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, उनका सहायक पशु क्षेत्राधिकारी के पद पर पोस्टिंग होती है। उनका एक्चुअली जो VS हैं, जो हमारी पोस्ट है, इनकी हॉस्पिटल की पोस्टिंग रहती है। और जो AVFOs हैं, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, उनकी औषधालय लेवल की भी पोस्ट रहती है, मतलब वो औषधालय पे भी उनको पदस्थ कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी पदस्थ कर सकते हैं, दोनों जगह। तो फील्ड लेकिन दोनों जगह पे पदस्थ रहेंगे तो उनको देखना पड़ता है। उनकी भी भर्ती निकलती है? उनकी भी भर्ती निकलती है 2 साल के डिप्लोमा के बाद, वो AVFO के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनकी कौन से ग्रुप की रहती है वैकेंसी? उनकी तृतीय श्रेणी की पोस्ट रहती है। पशु सहायक का डिप्लोमा करते हैं तो उसमें बेसिक सैलरी तो 20 से 25 यार है, फिर उसके ऊपर भी धीरे धीरे वो तो फिर आपका इंक्रीमेंट लगते रहेगा, ईयरली इंक्रीमेंट। उनकी हाईएस्ट कितनी पहुंच जाती है सैलरी? हाईएस्ट एक्चुअली उनका लगभग 1 लाख तक वो भी पहुंच जाते हैं। जी, तो ये सारी जानकारी थी हमारी डॉक्टर नेहा साहू मैडम से, जिन्होंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और यदि आप वेटनरी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे सारी जानकारी आप ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी बच्चे संपर्क कर सकते हैं, और ऐसी अपडेट हम मैडम से बीच बीच में लेते रहेंगे। मैडम हमें ठीक है सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, सारी जानकारी मैडम ने दी है, थैंक यू सो मच। और आप भी मैडम के लिए थैंक यू जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।